आज का वीडियो कोई भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं BLDC मोटर चले, से कुछ बेसिक जानकारी मैं दे दूँ। इस BLDC मोटर को चलाने के लिए एक ESC का यूज किया जाता है, वो भी 30 एम्पियर का। इस मोटर में 3 वायर रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है। चलिए इसे खोल देते हैं, इसे मैं खोल के दिखाने वाला हूँ ये मोटर कैसे वर्क करता है। चलिए इसे भी निकाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे कुछ इस प्रकार का लॉक लगा हुआ है। चलिए इसे कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। अगर दोस्तों मोटर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने मोटर को पानी में डुबा के दिखाया है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके से नुकीली चीज है। आप इससे इस चीज से आप यहाँ पे इस तरीके से इसे फंसा दें और इसे पीछे की तरफ पुश करें, ये काफी इजी से ये निकल जाएगा। देख सकते हैं ये काफी छोटा चीज है, देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा चीज है, ये लॉक है, ये मोटर को पीछे की तरफ फंसा के रखता है। चलिए इसे यहाँ पे रख दे रहा हूँ और इसे मैं खोलने वाला हूँ। देख सकते हैं इसमें काफी ताकत लग रहा है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ये बैरिंग इसके अंदर एक मिला है और एक दूसरा बैरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, एक दूसरा भी बैरिंग लगा हुआ है। इसमें दो बैरिंग छोटे छोटे बैरिंग लगा हुआ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बैरिंग रोटेट करता है। चलिए इसे रख देते हैं और इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसमें वायर इस तरह से लपेटा गया है और इसे 3 वायर में कन्वर्ट किया गया है। और इसमें दोस्तों मॉन्स्टर मैग्नेट रहता है जिसे न्यूडियम मैग्नेट भी कहते हैं, ये काफी ताकतवर मैग्नेट रहता है। चलिए ये है नॉर्मल मैग्नेट, ये लगभग हर एक मोटर में रहता है। देख सकते हैं ये है 12 वोल्ट का मोटर। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये गोल मैग्नेट, इसका भी दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ये मोटर है दोस्तों, इससे मैंने एक बोट बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, चेक करते हैं। देख सकते हैं इसमें किस तरह से मैग्नेट में ये स्क्रू ड्राइवर किस तरह से इसमें फंस गया है, ये काफी ताकत लगता है इसे निकालने में। इसे भी ट्राई कर लेते हैं। इस मैग्नेट में बहुत ही ताकत रहता है, मॉन्स्टर मैग्नेट ये है। चलिए इसे फिर से वापस लगा देते हैं। देख सकते हैं इसे लगाने पर किस तरह से इसमें ताकत से ये अपने ही तरफ पुश कर लेता है, ये काफी इजी से। और यहाँ पे ये अच्छी, इसे दोस्तों फिक्स करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें ये बहुत छोटा सा इसमें लॉक रहता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कितना छोटा सा ये बैरिंग है और ये घूमता है काफी हाई RPM पर। और ये लॉक दोस्तों काफी इजी है और ये लॉक आप आसानी से इसे इसमें लगा सकते हैं और ये इस तरह से इसमें लगा के आप फिर से इसे पीछे पुश कर दें। और ये काफी छोटा है तो ये हाथ में नहीं आता है, अगर इस तरह से इसको लगाने में काफी दिक्कत होती है। देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको इस तरह से कर रहा हूँ और इस तरह से इसको लॉक को फिर से मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये लॉक फिर से इसमें अच्छी तरीके से लग चुका है और ये मोटर घूम रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नीचे रेड का बटन दबा के सब्सक्राइब करें।